सो गाइज अभी मैं गई थी नीचे क्योंकि हमारी जो कार है उसका शीशा टूट गया था। तो गाइज यहाँ पे रेडी हो चुका है सारा सामान, और प्याज, खीरे, टमाटर, पनीर और नींबू और चने। तो जल्दी से ब्रो रह के देखो, पता चल जाएगा क्या करते हैं हम पूरा दिन घर पे। हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है 9 बजे से, एंड आज रात की छुट्टी थी। तो यस अभी बना रही हूँ मैं ब्लैक चने, और जल्दी आज लंच का भी काम अभी नबेड़ दूंगी साथ में, क्योंकि दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है एक तो, और दूसरा कई बार जो यूविन है वो खाना बनाने नहीं देता है, आजकल ऐसे ही है। और ये मैंने रेडी कर लिया यहाँ पे अपनी लेमन हनी और चिया वाटर। तो ये मॉर्निंग ड्रिंक होने वाली है, और साथ में ही ये मैंने रात को प्रिपेयर करके रख ली थी ताकि अब ये दिन में पी लूँगी, और उसके अलावा सिंपल एक बॉटल वाटर पीऊँगी। तो यस इस तरह से जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन है वो सेट होगा। तो ये मैंने चिया सीड्स मंगवाए थे अभी 2-3 दिन पहले, वीडियो शूट करना भूल गई थी मैं, पहले मेरे पास पड़े थे बहुत टाइम पहले पर वो ख़राब हो चुके थे बिकॉज़ कभी ध्यान ही नहीं दिया उसकी तरफ। तो यस जल्दी से चने बनाती हूँ, और उबले हुए चने मैंने निकाल लिए, उसकी चाट वगैरह बना के खाएंगे। और लंच के लिए मैंने बना दिए तरी वाले छोले, और ये मेरा प्यारा सा बच्चा। तो यस आर्विक गलत बात। तो यस ये फिनिश करते हैं काम धाम, और उसके बाद जब नाश्ता करने लगूँगी तब आपको मिलती हूँ। सो मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने सूखे छोले निकाल लिए अपने लिए, तरी वाले बनाने से पहले एक कटोरी सूखे छोले निकाल लिए। जब तक चाट बनेगी तब तक तो वैसे बहुत ज़्यादा भूख लग जाएगी। तो यस जल्दी से ये खाते हैं, एक कटोरी निकाल लिए अभी 1-1.5 घंटे के बाद, फिर जब यूविन के पापा आ जाएंगे तो तब चाट बनाऊंगी एंड फिर मैं भी खाऊंगी। तो गाइस यहाँ पे रेडी हो चुका है सारा सामान, और प्याज, खीरे, टमाटर, पनीर और नींबू और चने। तो जल्दी से बनाते हैं डिलीशियस सी चाट। और आजकल मैं खाना ऐसे खाती हूँ, साथ में खाना खा रही हूँ, साथ में यूवी मेरे पास है। यूवी सो गाइस दिस इज़ माय लंच प्लेट, और लंच में मैंने लिए है राइस और साथ में छोले, साथ में ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी अभी बनाई है एंड बहुत ही टेस्टी बनी है। तो ये होने वाला है मेरा लंच। और सो गाइस मैंने साथ में कोई सैलेड नहीं लिया बिकॉज इतनी ज़्यादा मुझे भूख नहीं है, बस ये थोड़ा सा पोर्शन ही इनफ होगा, क्योंकि मॉर्निंग में जो सैलेड लिया था वो काफ़ी हो गया था, तो अभी सिर्फ इतना पोर्शन लेने वाले हैं। तो गाइस अभी हमारा लंच जो है वो हो चुका है, और अब हम प्ले कर रहे हैं अपने चीनू पुत्तू के साथ, है ना यूविन के साथ। यूविन हमारा चीनू पुत्र है, चीनू पुत्र वैसे ये हमेशा स्माइल कर लेगा, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होगा ये स्माइल करना भूल जाएगा, है ना यूवी, है ना बेटी। इसको भी माना यूवी, इसको भी माना। आपको इसकी लाइट अच्छी नहीं लगती? फोन की लाइट अच्छी नहीं लगती आपको, है यूविन? तो गाइस यहाँ पे दोनों बच्चे जो है वो सो चुके हैं, और तब तक मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ। वो वाला जो स्टोर रूम है वो बहुत गंदा हो रखा है, साफ़ करने वाला, तो मैं उसकी सफाई करती हूँ। एंड यहाँ पे दोनों बच्चे सो गए हैं, तो बहुत ही आराम से बिना शोर मचाए फटाफट से सफाई कर लेती हूँ। तो गाइस ये है मेरा फर्स्ट कप कॉफ़ी का, एंड आई नो मैंने बोल दिया था कि कॉफ़ी नहीं पीऊँगी, लेकिन मैं कॉफ़ी के बिना नहीं रह पा रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा मेरे सिर में दर्द होने लगता थी अगर मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ। तो इनका जो फ्रेंड है, मतलब मेरे हस्बैंड का जो फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि इस तरह से कॉफ़ी बना के पीना भाभी, तो आपको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं फील होगा। तो वो तरीके से मैंने कॉफ़ी बनाई है, एंड ट्रस्ट मी एक तो कॉफ़ी भी अंदर चली जाती है एंड ज़्यादा नुकसान भी नहीं करती है। एक तरीका तो ये है कि इसमें ज़्यादा सारी आइस डाल लो, दूध कम डालो, चीनी कम डालो, तो पूरा ग्लास भी भर जाता है एंड
पता भी नहीं लगता। तो इसमें जो दूध है वो कम है, आइस ज़्यादा है, दूध कम है और चीनी कम है। और दूसरी जो बात ध्यान रखनी है कि खाली पेट कभी भी कॉफ़ी मत पियो, पीनी है तो मॉर्निंग में जैसे 11-11:30 बजे खाना वाना खाने के बाद, या फिर दोपहर में इस टाइम पे पियो तो नुकसान नहीं करेगी। तो यस, इन्जॉय करो। तो 1 से 2 कप कॉफ़ी के नुकसान नहीं करते हैं। तो मेरा तो अभी 1st कप ही है, मुझे लगता नहीं है कि 2रे कप की नीड पड़ेगी। तो 1 ग्लास कॉफ़ी का एंड आई एम सेटिस्फाइड। अभी 5 मिनट पहले इन दोनों को मैं सुला के उस रूम में गई थी, सिर्फ एक कॉफ़ी बनाई है मैंने और इतनी देर में ये बच्चा उठ गया है। और फिर घर के सब लोग बोलते हैं कि तुम सारा दिन घर पे करते क्यों, जब ये बच्चा मुझे कुछ काम करने नहीं देगा तो मैं घर पे बैठ के क्या काम करूं। तो ये बच्चा जो है ये उठ चुका है, और उधर की मैंने लाइट ऑन करी थी कि मैं उधर सफाई करने जाती हूँ, सोचा 1 कप कॉफ़ी का शांति से बैठ के पी लेती हूँ। बट ये बच्चा मुझे पीने देगा कॉफ़ी? हाँ जी, उठ गए हो? उठ गया, उठ गया ओ बालक। यू मीन ये हमेशा बेचैन ही रहता है। तो बस अभी से देखती हूँ, अगर तो ये खेलता रहता है तो मैं अपना काम कर लेती हूँ। बट मुझे लग नहीं रहा कि ये 2-3 मिनट से ज़्यादा टिकेगा। तो यस, ये है मेरी दिनचर्या जो मैं सारा दिन करती क्या हूँ। ऑल्सो गाइज, आप भी बताना, आप लोगों के साथ भी ऐसी होता है क्या, जो मदर्स होती है स्पेशली जो घर पे रहती हैं, हाउस वाइफ्स होती है, उन्हें हमेशा ये सुनने को मिलता है कि तुमने घर पे बैठ के सारा दिन करना क्या होता है? ब्रो, रह के देखो, पता चल जाएगा क्या करते हैं हम पूरा दिन घर पे। हाँ जी बिटकू, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मम्मा को काम नहीं करने देना, काम हो, काम नहीं करने देना मम्मा को। यू वीन, मम्मा को काम नहीं करने देना, हो गुगु चाहिए सारे टाइम, गुगु चाहिए इसको तो। यू वीन, हाँ करने तो थोड़ा सा काम भाई साहब। ये देखिए 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 देखिए, नहीं कैसे बेचैन होता है ये। सो गाइज, अभी मैं गई थी नीचे क्योंकि हमारी जो कार है उसका शीशा टूट गया था, तो उसका इंश्योरेंस का कुछ क्लेम लेना था, तो फिर वो साइन वाइन करने थे, तो वहाँ नीचे गई थी। और इतनी देर में इस बच्चे ने रो रो के बुरी हालत कर दी, एंड अब ये सोएगा। और इसके पापा गए हैं यूविन के लिए और आदू के लिए कुछ सामान लेने। आदू के लिए स्पोर्ट्स शूज़ लेने गए हैं, बिकॉज आजकल ये लोग स्टेडियम में जा रहे हैं, तो वहाँ पे रनिंग करने के लिए जो दूसरे शूज़ होते हैं वो ले शूज़ लेने गए हैं। तो ऊपर से मैंने भी बोल दिया कि मेरे लिए भी योगा मैट ले आना, देखते हैं लेके आते हैं कि नहीं लेके आते, क्योंकि जो पहले वाला योगा मैट था वो पड़ा पड़ा ही बेचारा फट गया। तो यस, और ये बच्चा अब सोएगा, तो जल्दी से इसको सुलाती हूँ एंड मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइज, अभी बज रहे हैं 9:15 हो गए। तो मैंने अपना डिनर जो है वो बहुत लाइट रखा है, मैंने खिचड़ी ली है और थोड़ा सा वही पनीर ऐड करके, क्योंकि शाम को मैंने छोले चावल थोड़े से खा लिए थे, भूख लग रही थी, दोपहर को कम खाए थे तो फिर उस वजह से भूख लग रही थी। एंड यस, अभी खाऊंगी खिचड़ी, हस्बैंड की अलग से रख दी है ठंडी होने के लिए, मुझे तो गर्म ही अच्छी लगती है। एंड दिखा देती हूँ आपको एक बार ही, तो दिस इज़ माई खिचड़ी गर्मा गर्म, एंड ये ठंडी होने के लिए रख दी है। प्लेट बड़ी है इसलिए ज़्यादा लग रही होगी, बट क्वांटिटी कम ही है। और ये है मेरी खिचड़ी। और आदू अभी अपने पापा के साथ ही गया हुआ है, स्टेडियम जाता है वो, तो अभी तक तो आए नहीं है, तो देखते हैं कब तक आते हैं। एंड यस, आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको मेरे साथ थोड़ी सी मोटिवेशन मिल रही होगी, फिलहाल तो मुझे खुद ही अपने आप को मोटिवेट करना पड़ रहा है। तो यस, आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर।